हेलो जी, राम राम जी। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप सब ठीक होंगे। मैं भी ठीक हूँ। तो जी, सुबह का कर रही हूँ मैं ब्लॉग स्टार्ट। तो सुबह के अभी बजे हैं 11:30। तो मम्मा जी बैठे थे यहाँ पे धूप सेकने, तो मैंने सोचा कि चलो यहाँ पे बैठ के, अभी खाना वाना हो ही गया था हमारा, तो मैं बस बैठ गई थी आज मटर छिलने के लिए, क्योंकि मटर का जो छिलका है ना ऊपर वाला, वो अभी मतलब सड़ने लगा था। तो मैंने सोचा कि पता नहीं सारे सड़ ना जाए कहीं मटर, तो मैं और मम्मा दोनों मिलकर छील लिए मटरों को, ठीक है। तो यहाँ पे बैठे थे हम मटर छीलने के लिए, तो बस यही सलाह कर रहे थे आज दोनों की, आज हम जो है आज जो मैंने बीज लाए हुए हैं ना लगाने के लिए सब्जियों के बीज, तो मैंने सोचा कि आज मैं वो भी लगा दूँगी। तो यहाँ पे हमारे घर में कोई आ गए थे गेट के ऊपर, और पापा चले गए थे देखने के लिए कि कौन आया है। तो आज ना मेरा गला अभी तक ठीक नहीं हुआ है फ्रेंड्स, इसलिए मैं वीडियो नहीं डाल रही थी 2 दिन से। तो जैसे थोड़ा बहुत ठीक हुआ है ना, तो मैंने वीडियो डाल दी है। तो आप सबको अभी मेरी आवाज़ भी दिख रही होगी कि किस तरह से, मतलब पहचान गए होंगे कि मेरी आवाज़ जो है अभी भी ठीक नहीं है। तो यहाँ पे फिर मैं आ गई थी मटर छिलने के बाद। ये मेरे जो प्याज लगा हुआ है यहाँ पे भी थोड़ा बहुत मैंने यहाँ पर लगाया है, पनीरी बच गई थी ना तो मैंने यहाँ पे इसको लगा दी। तो ये मूली है, और साथ में पालक वगैरह और गोभी और मेथी धनिया सब कुछ यहीं पे लगाया हुआ है। तो मैंने आज सोचा कि मैं सबको यहाँ पे पानी वगैरह देके ही छोड़ती हूँ, क्योंकि बड़े दिनों से बारिश भी नहीं हुई है, पानी देना तो बनता है डेली जो प्याज लगाया है ना उसको। तो बस आज मैंने जब भी मेरे को मौका मिलता तो मैं ऐसे ही कर लेती हूँ, पानी दे देती हूँ। नहीं तो डेली तो नहीं देती हूँ, लेकिन हफ्ते में एक दो बार दे देती हूँ फ्रेंड्स। तो चलिए अभी देखिए, पानी तो यहाँ पे होता ही रहेगा। अभी मैंने मटर भी लगाए हुए हैं ना, मटर मटर और टमाटर दोनों लगे हैं, उनको भी अभी पानी देना। तो इस तरफ पानी हो गया था, अभी काफ़ी खुला पानी दिया था मैंने, पानी 15-20 मिनट तक पाइप मैंने ऐसे छोड़ के रखी थी। देखिए आप देख सकते हैं पीछे कितना पानी हो गया था। तो चलिए अभी मैंने यहाँ पे इस तरफ मैंने क्या करना है, ये वाली जो कड़म लगा हुआ है ना, तो अभी मतलब इसका मौसम चला गया कड़म खाने का, क्योंकि अभी कड़म खाने का मन नहीं करता है फ्रेंड्स। तो ये थोड़ा बहुत जो है मैं ये निकाल लूँगी सारा का सारा। और ये है ना, अगर आप 2 केजी तक भी बना दोगे ना, तो थोड़ा सा रह जाता है ये कड़म, इतना मतलब हल्का पत्ता होता है इसका, घर वाला जो कड़म होता है ना, तो इतना अभी मतलब बहुत ही सॉफ्ट वाला कड़म था, बहुत टेस्ट भी था इसका। तो मैंने क्या किया कि आज सारे के सारा कड़म जो है उखाड़ लिया, क्योंकि अभी कड़म तो यहाँ पे कड़म की जगह कुछ और लगाएंगे, कड़म का मौसम अभी चला गया है फ्रेंड्स। तो देखिए यहाँ पे मेरी जो गाय का छोटा बेबी है ना, इसको मैं बांध रखी थी यहाँ पे घास खाने के लिए, लेकिन इसने घास खाया ही नहीं। फिर मैंने इसको उसकी जगह गाय वाली जगह पे छोड़ के आई, और गाय को यहाँ पे लेके आई। देखिए अभी गाय खाना स्टार्ट कर दी है, और मैंने सोचा कि इतना सारा घास है तो क्यों ना गाय खाए लगी, क्योंकि गाय वैसे भी बेचारी को खाना इस ये घास वगैरह हरा भरा तो मिल नहीं रहा था चारा इसको। तो मैंने सोचा कि अभी यहीं पर इसको बांध देती हूँ, थोड़ा आधा घंटा खा लेगी यहाँ पर, तो थोड़ा सा घास भी चला गन जाएगा और थोड़ा साफ़ हो जाएगा यहाँ से। तो देखिए अभी गाय अच्छे से खा रही है। तो चलिए अभी हम भी अपना काम करते हैं अभी आगे। तो अभी मैं जा रही हूँ बीज लगाने के लिए, तो चलिए फिर चलते हैं बीज लगाते। तो दोपहर के लगभग अभी बजे हैं 2:30, तो मैं बस अपना काम शुरू करने जा रही थी। तो आज काम क्या है वो अभी आपको पता चल जाएगा। तो मैं आज लगा रही हूँ वेजिटेबल के बीज, ठीक है। तो ये मेरे पास है ट्रे, ठीक है, ये मैंने ट्रे मंगवाई थी एक, और इसके अंदर ही मैं लगाऊंगी, क्योंकि अभी जो है खुले में अभी नहीं लगाएंगे बीज, क्योंकि अभी जगह नहीं बनी है। तो मैं सोच रही हूँ कि इसके अंदर लगा देंगे, और बेल जब बड़ी बड़ी हो जाएंगी फिर हम यहाँ से उठा के ज़मीन में गाड़ देंगे, ठीक है। तो अभी चलिए इसमें फटाफट लगाते हैं, क्या क्या बीज लाए हैं मैंने, क्या क्या नहीं लाए हैं आपको दिखाते हैं, साथ में इसमें लगाते हैं। ये देखिए ये खाद है, ये वहीं से मिली है शॉप से ही,
एग्रीकल्चर शॉप से मिली थी ये वाली खाद, जो डाया होता है शायद वो वाला है ये, तो इसको भी अभी ऐड करेंगे थोड़ा थोड़ा। और ये रही बीज, ठीक है ये बीज है। तो फ्रेंड्स आप लोग मेरी शायद मदद कर सकते हैं, आप लोग मुझे सुजेशन दे सकते हैं कि मुझे क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। तो बात ये है कि फ्रेंड्स आज 19 तारीख है, लेकिन मेरा जो गूगल एडसेंस है ना वो मुझे अभी तक नहीं मिला है। तो 3 बार मैं अप्लाई कर चुकी हूँ, लेकिन अभी तक 2 बार तो आया नहीं है, 3री बार भी मुझे जीमेल से कोई रिस्पॉन्स नहीं मिल रहा है। तो अभी देखिए अगर मुझे गूगल एडसेंस नहीं मिलता है तो आगे का मुझे प्रोसेस पता नहीं है कि वो किस तरह से अप्लाई करते हैं किस तरह से नहीं। तो अभी घर वालों का ये कहना है कि आप सिर्फ ऐसे अपना टाइम वेस्ट कर रहे हो, तो आप कृपया करके आप अपने ब्लॉग को यहीं पे एंड करो और ब्लॉग बंद कर दो। तो फ्रेंड्स इतनी मेहनत करने के बाद ऐसा कौन करता है भला, अपने ब्लॉग को मैं कैसे जाने दूँ। आप लोग मेरी मदद करें प्लीज़ कि मैं आगे गूगल एडसेंस के लिए क्या करूं, कि उन्होंने 19 तारीख के लिए बोला था कि आपका गूगल एडसेंस पहुंच जाएगा, लेकिन अभी तक नहीं पहुंचा है। तो मैं क्या करूं, मुझे कोई समझ नहीं आ रहा है, तो बहुत बहुत ज़्यादा सैड हूं। लेकिन फिर भी देखिए मैं ब्लॉग बना रही हूँ क्योंकि मुझे पता है कि कुछ ना कुछ शायद रिस्पॉन्स मिल जाए, चाहे अगर नहीं भी मिलेगा तो फिर से मुझे कोशिश तो करनी ही पड़ेगी। लेकिन घर वालों को ये कहना है कि आप ऐसे टाइम वेस्ट कर रहे हो, कुछ नहीं मिलने वाला है, कुछ नहीं होने वाला आपका। तो बहुत बहुत ज़्यादा दुखी हो गई फ्रेंड्स। तो आप बताइएगा कि मुझे आगे क्या करना है, मुझे ब्लॉग बंद कर देना चाहिए बनाना, या मुझे आगे का वेट करना चाहिए। तो फ्रेंड्स कमेंट में ज़रूर बताइएगा मुझे क्या करना चाहिए, ठीक है। तो चलिए अभी मैं अपना काम तो मुझे स्टार्ट करना ही है। तो यहाँ पर देखिए मैं सारे के सारे बीज लगा दे रही हूँ, चाहे वो करेले का बीज है, चाहे वो खीरे का बीज है, लौकी का और घीये का, सब के बीज मैंने लगा दिए हैं। तो ये लगाना मतलब जो तनियाँ होती हैं फ्लास्टबिन की फलियाँ, वो भी बीज मैंने लाए हैं, वो भी मैंने इसी में गाड़ दी हैं। पता नहीं अभी क्या रिज़ल्ट आता है, मुझे जैसे जैसे बताया गया था कि इस तरह से लगाना, मैंने उस तरह से लगा दिए हैं। तो बीज लगाने के बाद मुझे जो शिमला मिर्च का बीज है और टमाटर का बीज है ना, वो भी लगाना है। तो अभी देखिए पापा भी आ गए थे और मुझे बीज की कुछ समझ कम लग रही थी, तो मैंने पूछा पापा जी को कि ये बीज जो है करेले के शायद कोई बीज था बीच में, करेले का बीज था जो कि मुझे पता नहीं चल रहा था कि किस तरह से लगाने हैं। तो फिर मैंने पापा की सहायता ली और पापा ने मुझे बताया कि इस तरह से लगाने हैं ऊपर की तरफ करके। तो यहाँ पे देखिए पापा जी ने मुझे बताया और फिर मैंने इस तरह से पूरे के पूरे यहाँ पे 4-5 पीस मिले थे मुझे ये इसके करेले के, वो मैंने लगा दिए। यहाँ पे मेरी ट्रे हो गई थी रेडी और मैंने इसको ट्रे को पानी दे दिया था अंदर जाके, और इसको थोड़े दिन के लिए अंदर ही रखना पड़ेगा, नहीं तो जो कुछ भी है वो बीज निकाल के खा भी लेते हैं, चाहे वो कोई भी पक्षी होगा तो वो खा लेते हैं। तो हमें इसे अंदर ही रखना पड़ता है थोड़े दिन के लिए। तो मैंने ट्रे को उठा के अंदर रख दिया था और यहाँ से जितना भी वेस्टेज थी वो भी उठा ली थी। तो चलिए अभी चलते हैं आगे की ओर। तो मैं यहाँ पे लेके आई थी गमला, गमले के बीच में मैं लगा रही हूँ बीज। तो वो इसमें मैंने देखी जो मिट्टी में मिक्स की हुई थी खाद वाली, वो मैंने इसमें ऐड कर दी है। अभी मैं इसमें लगा दूँगी शिमला मिर्च का बीज। तो चलिए फिर फटाफट टमाटर का बीज लगाते हैं पहले इसमें, फिर लगाएंगे शिमला मिर्च का बीज। तो ये रहा टमाटर,
तो टमाटर मैंने अभी देखी लगा दिए। टमाटर का बीज मेरे को थोड़ा सा इतना अच्छा नहीं लगा है, अभी देखते हैं आगे कि इसका बीज मतलब ये सूख कर बिल्कुल कम हो जाता है ना बीज, तो ऐसे लग रहा था कि जैसे खराब है ये, तो पता नहीं अभी इसका पौधा निकलेगा या नहीं। टमाटर तो काफ़ी बड़े बड़े दिखाए हुए हैं इसके ऊपर, तो चलिए देखेंगे जब पत्ते इसके निकलेंगे बाहर। तो अभी जो दूसरी एक गमला और लेऊंगी मैं, और इसमें लगाऊंगी अभी जो शिमला मिर्च का बीज है ना वो भी लगा दूंगी, क्योंकि इसी समय लगता है शिमला मिर्च और मिर्च का बीज, तो मुझे शिमला मिर्च भी लगानी है घर पे। तो यहाँ पे देखिए अभी गमले में मैंने मिट्टी डाल के एकदम उसको फ्रेशनेस कर दिया है गमले को, क्योंकि इसकी जो नमी होती है ना वो चली जाती है मिट्टी की, तो हमें इसलिए खाद और जो मैंने शॉप वाला खाद लाया था ना वो मिक्स करके मैंने इसमें डाल दिया है। और अभी देखिए मैंने बीज भी इसमें लगा दिए हैं, इस शिमला मिर्च के बीज काफ़ी ज़्यादा थे, अगर ये लग जाएंगे ना तो काफ़ी पौधे निकलेंगे यहाँ पे। तो चलिए अभी देखिए फ्रेंड्स मेरा बीज लग चुका है, और अभी मुझे देना है सिर्फ इनको पानी, तो चलिए फिर फटाफट इनको पानी भी दे देते हैं। तो फाइनली फ्रेंड्स मैंने यहाँ पे देखिए आपने देख लिया होगा कि मैंने सारे के सारे बीज अभी लगा दिए हैं, तो पाँच छः दिन के बाद अभी देखेंगे रिजल्ट कैसा होगा कैसा नहीं, बीज निकल के बाहर आते हैं या नहीं। तो फ्रेंड्स मेरा गला हो चुका है ख़राब, और फिर भी मैं वीडियो देखिए बना के आ गई हूँ, क्योंकि आज मेरे को कुछ काम भी नहीं दिख रहा था, साथ में वीडियो बनाने के चक्कर में नहीं थी, क्योंकि गला जो ख़राब हुआ है ना उसकी वजह से। तो फिर मैंने सोचा कि चलो थोड़ा सा बीज वगैरह लगा देते हैं, वो आपको मैं दिखा देती हूँ। तो बस आज मैंने बीज लगा दिए हैं, बहुत जल्द अभी भिंडी भी लगानी है, और पालक धनिया सब कुछ लगाएंगे, वो भी आपको देखने को मिलेगी वीडियो। तो चलिए अभी ये वाली वीडियो यहीं पे एंड करती हूँ, आई होप आज के ब्लॉग अच्छा लगा है, अगर अच्छा लगा लाइक सब्सक्राइब शेयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स, बाय बाय।